तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, जब से जवान का प्रीव्यू आया है बॉलीवुड सिनेमा या फिर हिंदी सिनेमा का, हो पूरे भारत में खलबली मची पड़ी है। ऐसी तबाही तब मस्ती है इंडिया में जब साउथ की कोई बड़ी फिल्में आती हैं और लोग एक त्यौहार की तरह वेट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं। जी दोस्तों, आफ्टर पठान जवान का अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है पब्लिक के द्वारा। जवान की छोटी से छोटी अपडेट के लिए भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यस, हाल फिलहाल में सॉन्ग्स पर ज़्यादा फोकस करा जा रहा है मेकर्स के द्वारा। और जी हाँ, फर्स्ट सॉन्ग बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है आप सभी को, और इसका अनाउंसमेंट हाल फिलहाल में होने ही वाला है। तो आज जानेंगे कि पहला सॉन्ग कब रिलीज होगा, टोटल कितने सॉन्ग होने वाले हैं मूवी में, ट्रेलर कब रिलीज होगा, बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकती है मूवी, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी SRK के डाई हार्ड फैन हैं और जवान मूवी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, मेकर्स के द्वारा जबरदस्त अपडेट रिवील करी गई है कि जवान मूवी में लगभग 6 गाने होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे 6 सॉन्ग्स होंगे। अब आप कहेंगे पठान में तो सिर्फ 2 ही थे। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जवान का जो हाइप है वो बिल्कुल अलग है। पठान तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। देखो, मल्टीपल कैरेक्टर हैं SRK के इसमें, और हर कैरेक्टर में क्या खूब जान डालेंगे वो हम जानते ही हैं SRK को, और हमने प्रीव्यू में भी देख ही लिया है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बता दूँ सिक्वेंस वाइज जवान के सॉन्ग कैसे रिलीज होने वाले हैं या कौन सा सॉन्ग में कौन हो सकता है वगैरह वगैरह, तो यस दोस्तों, पहले सॉन्ग में दीपिका और SRK की हॉट एंड फुल आइटम सॉन्ग केमिस्ट्री देखने को मिल सकती है। दूसरे में आपको नयनतारा और SRK की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, वो भी फुल रोमांटिक में, और शायद ये सॉन्ग फुल रोमांटिक होगा जिसके बोल होंगे दिल तेरे नाल जोड़ियां, और अरिजीत दादा के द्वारा ये सॉन्ग कंप्लीट करा जाना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिस सीक्वेंस में तो मैं बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में सारे सॉन्ग मूवी में भी होंगे या फिर अभी रिलीज होने वाले होंगे, बस बता रहा हूं कि ये सॉन्ग मूवी में होने वाले हैं। इसी के साथ तीसरा सॉन्ग हमें नयनतारा जी का इंट्रो देखने को मिल सकता है। फोर्थ सॉन्ग दोस्तों गर्ल गैंग होगा, SRK का बैड एस लुक टाइप, और ये सॉन्ग जेल सिक्वल में सूटेड है। तो दोस्तों, ये दमदार होने वाला है SRK के बिहाफ पर। बाकी फिफ्थ सॉन्ग SRK ऑल लुक्स पर बेस होगा, और दोस्तों ये मूवी के एंड में प्ले होगा पक्का, क्योंकि सारे लुक्स एक साथ बीच में तो दिखा नहीं सकते हैं और स्टार्टिंग में भी नहीं दिखा सकते, जिससे पूरी स्टोरी बर्बाद भी हो सकती है। तो एंड में ही इसे दिखाया जाना है, पक्का है। बाकी जवान टाइटल थीम सॉन्ग जो आप प्रीव्यू में पहले ही देख चुके हैं या सुन चुके हैं, जिसको राजा कुमारी ने रैप करा है। अगर आपको बता दूं तो राजा कुमारी इंडियन रैप सिंगर है जो काफी कम टाइम में अच्छी ग्रोथ करते नजर आई हैं। तो ये तो थी सॉन्ग लिस्ट। अब बात करते हैं पहला सॉन्ग कब आ सकता है। देखो, अभी पक्का डेट नहीं दी है, लेकिन हाँ, रेड चिलीज से पूरी उम्मीद करी जा रही है कि आजकल में ही ये डेट अनाउंस कर देंगे, और कुछ ही दिन बाद हमें पहला सॉन्ग भी देखने को मिल सकता है जो अराउंड 25 जुलाई के आसपास हो सकता है। और मे बी पहला सॉन्ग SRK और नयनतारा जी का रिलीज हो सकता है, हाई चांसेस है। बाकी मूवी रिलीज होने से पहले पूरे 3 सॉन्ग रिलीज होने की श्योरिटी है, वो इसलिए भी क्योंकि इतने सारे सॉन्ग हैं। तो यस, ये सॉन्ग एक तरीके से मूवी का प्रमोशन का ही काम करेंगे। बाकी ट्रेलर से पहले 2 सॉन्ग देखने को मिल सकते हैं, और ट्रेलर के बाद 1 सॉन्ग देखने को मिल सकता है, और उसके बाद 7 सितंबर को तो मूवी रिलीज ही हो रही है। बाकी दोस्तों, बात करें ट्रेलर कब रिलीज होगा, तो दोस्तों अभी कोई अपडेट नहीं है ट्रेलर की भी, लेकिन हाँ, शायद जब फर्स्ट सॉन्ग आएगा तो कुछ आइडिया रेड चिली हमें दे सकती है कि इतने टाइम बाद ट्रेलर देखने को मिल सकता है आप सभी को। बाकी अभी तक उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अराउंड 25 अगस्त ट्रेलर देखने को मिल सकता है। बाकी मूवी बजट अगर आपको बता दूं तो प्रमोशन मिलाकर 250 करोड़ के खर्चे में ये फिल्म कंप्लीट करी गई है। अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बात करें तो पहले दिन 150 करोड़ की बिग ओपनिंग ले सकती है मूवी, फुल चांसेस है, और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 1000 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा देने से इसे किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। अगर तेलुगु रीजन से फुल सपोर्ट मिल गया तो मे बी 1500 करोड़ का आंकड़ा भी जा सकता है। बाकी ओवरसीज में तो एक मोटी कमाई ये कर ही लेगी, तो कुल मिलाकर बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी खतरे में है SRK के सामने इस बार। सालार तोड़े ना तोड़े, लेकिन जवान का फुल चांस लग रहा है। बाकी मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी है। आप लोग बताएंगे कि जवान का फर्स्ट सॉन्ग कब आ सकता है, और आप लोगों को कितना बेसब्री से इंतजार है इस सॉन्ग के लिए। दूसरा ये कि पहला सॉन्ग नयनतारा जी का साथ निकलेगा या फिर दीपिका जी के साथ निकल सकता है। नीचे फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों की अपडेट के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।